कनेक्शन विद फैंस ऑडियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उनकी वजह से ही आप एक एक्टर बनते हो. बिकॉज दे लाइक टू सी यू, दे लाइक टू टॉक टू यू, दे लाइक टू नो व्हाट यूर डूइंग. वहां पे दो फूल दिखाते थे, दो फूल आके एक हो गए, ब्लर आउट हो गया, अगले दिन पता चला दैट द गर्ल इज प्रेग्नेंट. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे जॉनसन डॉट कॉम। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइंट फिल्म्स यूट्यूब चैनल। बॉलीवुड का गूगल इसलिए कि आपको बॉलीवुड में एंट्री के लिए जो जो भी जानना चाहिए, सीखना चाहिए, वो सब कुछ आपको इस चैनल पर मिलता है। भले आप एक्टर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, डायरेक्टर बनना चाहते हो, लिरिक्स राइटर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के वीडियो यहाँ पर मिलेंगे। बहुत से लोग बॉलीवुड में आने का सपना देखते हैं, टीवी वेब सीरीज में काम करना चाहते हैं और बहुत से लोग ऐसा काम कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा काम कैसे कर पा रहे हैं यही बताऊंगा आज के फिल्मी फंडे में। आज हम मिल रहे हैं आसमा सैयद से। वेलकम टू जॉइन फिल्म। थैंक यू सो मच, थैंक यू. ओके आसमा, आप एक्ट्रेस हैं, आपने काफी काम किया हुआ है बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस में, बड़े बड़े चैनल्स में। इसके साथ साथ आप डिजिटल पे भी बहुत फेमस हैं, ओके, सोशल नेटवर्क्स पे। तो एक एक्टर का ये जो कनेक्शन बनना शुरू हुआ है अपने फैंस के साथ थ्रू सोशल नेटवर्क, थ्रू डिजिटल नेटवर्क, ये कैसे देखते हो आप इसको? I think it's very important nowadays since everything is on social media, है ना, and we are very active on Facebook, Instagram and other social sites. And this is very good because now it's the advanced technology. So why not you know utilize it? पहले जब नहीं होता था, we used to go to meet friends and things like that, the earlier people. Now we connect over video calls and phones and things like that. So it's easier and much better. Connection with fans, audience is very important because उनकी वजह से ही आप एक एक्टर बनते हो. बिकॉज दे लाइक टू सी यू, दे लाइक टू टॉक टू यू, दे लाइक टू नो व्हाट यूर डूइंग. सो कनेक्शन विद देम इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई ट्रूली वांट टू यूटिलाइज इट एंड आई ऑलवेज ट्राई टू यूटिलाइज इट व्हेन आई हैव द टाइम. एंड आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू देम बिकॉज एवरीथिंग दैट आई डू, गुड बैड ओके नो ओके व्हाट एवर आई डू, माई पीपल आई कॉल देम माई फ्रेंड्स एंड फैमिली, नॉट फैंस एंड फॉलोअर्स. So they have always supported for the good. So I'm very happy. ओके आसमा, ये बहुत अच्छा बताया आपने कि आजकल वहां भी एक्टिव रहना जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक्टर के लिए टास्क और नहीं बढ़ गया? टास्क बढ़ गए. आई थिंक सारे एक्टर्स जब रेडी हो रहे होते हैं या अगर होने वाले होते हैं या हो चुके होते हैं तो बिफोर आफ्टर पोस्ट कर देते हैं. एंड ट्रस्ट मी, हम जब हम पिक्चर्स पोस्ट करते हैं ड्यूरिंग शूट, आफ्टर पैकअप्स या ऐसे ही बैठे हुए भी, कहीं ना आपको एक मोटिवेशन मिलता है. बिकॉज व्हाट हैपेंस इज फर्स्ट, जब आप पहले जब आप उठते थे सुबह में और अगर आप एक चाय का कप पकड़ते थे, आप कैसे भी पकड़ के पी लोगे, बट अगर आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हो या अगर उसका एक फोटो या एक सेल्फी आप क्लिक कर रहे हो, लाइक विद इंस्टाग्राम एंड फेसबुक फिल्टर्स, स्पेशली इंस्टाग्राम फिल्टर्स, आप रोज मंडे ट्यूजडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे दे गिव यू फिल्टर, यू कैन पोस्ट अ न्यू सेल्फी, मेक्स यू लुक गुड. आपको वो एक डे स्टार्ट के लिए यू गेट दैट मोटिवेशनल किक, ओ आई एम लुकिंग गुड, नो आई हैव गॉट दिस पैच, लाइक नाउ आई हैव गॉट द स्किन पीलिंग गोइंग ऑन फॉर द स्किन ट्रीटमेंट. तो आज सुबह में जब भी उठी एंड व्हेन आई वाज टेकिंग अ सेल्फी, तब मुझे पता चला कि हाँ अभी तो ये बाकी है और तो एक दो दिन का और गैप है. बट ठीक है, आई थिंक ये बहुत ही मोटिवेशनल होता है. टास्क नहीं बढ़ता इसमें, इसमें लोग सोशलाइज ज्यादा करते हैं, बीट एक्टर्स, बीट योर नॉर्मल पीपल और इन्फ्लुएंसर्स, और मजा आता है काफी ये करने में. आपने सही कहा कि एक मोटिवेशनल फैक्टर भी है, क्योंकि एक्टर पहले सीरियल में काम करेगा, वो सीरियल जाएगा, फिर लोग देखेंगे, फिर उनका फीडबैक मिलना बहुत मुश्किल होता है, या फिल्म में भी काम करें तो यहाँ पे आपका डायरेक्ट एक कनेक्शन मिल जाता है। तो अभी तक आपके कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आए हैं? आई स्टार्टेड ऑफ लाइक आई टोल्ड यू विद सुप्रीम गुरु, फिर कलर्स का एक शो था उड़ान, वो मिल गया. बिग मैजिक में आई वाज डूइंग अ पैरेलल लीड कॉल जयमा विद्यावासिनी, अ वेरी सुपर हिट शो अगेन. यारों का टशन वाज देयर ऑन सब टीवी, अगेन अ वेरी वेल नोन टीवी शो अबाउट द रोबोटिक थिंग. देन आई वाज डूइंग जिंदगी की महक एज द नेगेटिव लीड, व्हिच वाज अ कैमियो फॉर 6 months. वो छोड़ने के बाद आई डिड अ फिल्म व्हिच वाज सपोज टू बी टाइटल्ड सीक्रेट्स ऑफ सोल. आई वाज अ टीनेजर दैट टाइम, सीक्रेट्स ऑफ सोल. इवेंचुअली रिलीज पे दे टर्न्ड इट टू सीक्रेट्स ऑफ सेक्स फॉर द पीआर एंड मार्केटिंग एंड थिंग्स लाइक दैट. दैट्स व्हाट द प्रोड्यूसर थॉट, दैट इज व्हाई आई डिडंट प्रमोट इट माई सेल्फ. But the story is very good. उसके बाद में there's one film of mine on Eros now, which is Rangesh. Pretty good film, nice film. But वो PR से रह गई, maybe because you know of the people not knowing how to promote. I'm sure nowadays अगर आप जितना पैसा फिल्म में लगा रहे हो उससे ज्यादा आपको प्रमोशन के लिए लगाना पड़ेगा.
उसके बाद ओटीटीज टुक ओवर एंड ओटीटीज में आई गॉट शिवरात्रि विच इज ऑन एमएक्स प्लेयर एंड I was not sure about doing it because it was quite bold. And for a girl who's done serials, उसमें से आप OTT में jump करोगे तो आपको bold काफी करना पड़ेगा. Director ने मुझे convince किया. 6-7 महीने के बाद ये role मेरे पास फिर आया. और then I did it. After that, at the same time, I got Old Balaji's Gandhi Baat season 3 in lead, जहाँ मुझे 4 stories बताई उन्होंने कि 4 stories है. And my director Sachin Mohite, अभी इनका पोरोशपुर आ रहा है सर का. The same production house. He wanted me to do any of the leads. I said, sir, Sonam ka ek aapka jo character hai, that is the lead role and it's very nice. And that's what I want to do if I want to do. I got that. Then now we did Ish Kills, which is again for you know Ulu and MX now. Okay. Both runs on both. Or now we have. I'm doing 2 films which are in Telugu because of Corona. They are a little okay. away. One very good project, which is again a little ahead because of Corona. Cinemas mein jo commercially films karte the, they are at rest now. Because they know that only OTTs are going on. Asma, आपने जैसा बताया कि bold scene भी आपने किया. ये बहुत सारे newcomer जो नए actors होते हैं, खासकर से female, उनको एक बहुत ही ज़्यादा doubt होता है, डर होता है. ये लगता है कि यार ये जो screen पर दिख रहा है, ये बिल्कुल ऐसे ही shoot किया गया होगा, बड़ा uncomfortable लगता होगा. तो आप उन नए एक्टर्स को कैसे बताना चाहोगे, किस तरह से आप लोग को कंफर्टेबल फील कराया जाता है, डायरेक्टर किस तरह से ट्रिकी वे में शूट करते हैं, और कितना आपके सामने रोल को शुरू में ही रख दिया जाता है कि कैसे शूट करने वाले, अपने एक्सपीरियंस बताइए. मैं आपको सिर्फ ये बोलूंगी, जब मैंने किए हैं बोल्ड सीन्स इज समथिंग व्हिच रिक्वायर्स द यू टू बी मोस्ट कॉन्फिडेंट. आई हैव अ क्राइम सीन, आई हैव अ लाफिंग सीन, आई हैव अ इमोशनल सीन, आई हैव अ डांसिंग सीन एंड आई हैव अ बोल्ड सीन. सो बोल्ड सीन नीड्स यू टू बी very confident in terms of your body language, because how you walk, how you seduce somebody, how you talk, how you take your, you know, your positions of sitting and getting up and all that, because it's related to sensuousness and you have to carry that feeling. It's very difficult. Most confident you have to be when you're doing it. Another thing is, I believe an actor, as an actor, you can't say I can do the emotional scene, but I can't do the bold scene if it comes in the film or in the script. It should be in the story. It should not just be, you know, then it's not a film. Then it's, you know, something which is not a film. If it comes along the story, now we are not in that 90s wala zone mein jab bhi hum log ye dikhate the, hum log, you know, in fact, we are a group of actors who sit sometimes and we watch the old films and then we laugh at it. With all due respect, not that way, but, you know, like now if they want to show anything, a ladki agar pregnant hoti, they properly, not everything, but they show something. वहाँ पे दो pool दिखाते थे, तो pool आके एक हो गए, blur out हो गया, अगले दिन पता चला that the girl is pregnant, ये पता चलता है. तो that, you know, that way we sit and we just laugh and we say, यार this is very nice, अगर ये आज भी हो जाए तो we'll be so sorted. I think it's an actor's job. You have to take it as your job. You have to be professional. You need to understand what you need to do. And it's same like you doing, you know, any other scene. The bold scene is also there. In fact, it's if you're confident enough and if you're able to do all the 5 scenes together, you will take this also as good as a crime scene or a love scene or whatever scene. So I take it as one of the emotions which I have to enact. That's it. जैसा आपने बताया कि आप पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छी थी और आपके पास एक अच्छा प्रोफेशन हो सकता था जो कि सर्टेनिटी वाला भी होता, उसमें अनसर्टेनिटी इतनी नहीं होती. तो जब आप ये डिसीजन ले रहे थे एक्टर बनने का, तो आसपास के लोगों को डर नहीं लगा, उन्होंने समझाने की कोशिश नहीं की कि अनसर्टेन फील्ड में क्यों जा रहे हो, और तब आपने उसको टैकल कैसे किया? ये उन्होंने obviously parents करते हैं, because parents they love you, so out of their love and concern they always come forward. आए थे मेरे मम्मी पापा, आए थे, they said that this is good and the field which you're choosing is very dicey. I said I don't want to earn that 5 lakh rupees and be not happy. I'm happy earning the 5,000 rupees per day and I'm, you know, very happy here. So it's all about happiness in the end, because it's your life. I know there are people related, आपसे जुड़े होते हैं लोग, आपके परिवार के भाई बहन हो गए, फिर आपके relatives हो गए, माँ बाप हो गए, जो आपका अच्छा चाहते हैं, and that's out of love, है ना? तो मैं नसीब वाली हूँ कि मेरे घर में सब हैं जो ये चीज बोलते हैं, but उनको पता है कि ये लड़की हमारी जो पहली चीज जो जो सोचती है वो करती है, उसके अंदर उसको इंटरेस्ट कोई करेगी, उसको बोलने से फायदा नहीं है. दूसरी चीज ये, अगर वो खुशी नहीं है तो मेक्स नो सेंस. मुझे लगता है कि मैं खुश नहीं हूँ उसमें, तो
तो मैं वो क्यों करूं, मैं वहां पे अपना इन्वेस्टमेंट नहीं दूं। फॉर मी इन्वेस्टमेंट इज माई टाइम, माई ब्रेन्स एंड माई सेल्फ, सो मैं वो वहां पे दूंगी जहां मेरा इंटरेस्ट है। आसपास थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपने बहुत ही एकदम बेबाक अंदाज में सब चीजों को बताया है। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। तो ये थी आसपास सैयद, बहुत ही बेबाक तरीके से उन्होंने सारी चीजों को रखा और इससे आप लोगों का भी एक डाउट दूर हुआ होगा कि जो लोग फिल्म इंडस्ट्री में आते हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते, ऐसा नहीं है। पढ़े लिखे लोग बहुत अच्छे से जिनको इंटरेस्ट से पढ़ने को वो लोग भी आते हैं और ये इंडस्ट्री ओपन है। दूसरी बात यह कि जो भी रोल आप कर रहे हैं अगर वो कहानी की जरूरत है तो आपको करना चाहिए। जिस तरह से आप इमोशनल करते हैं, कॉमेडी करते हैं, इस तरह से आपको अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो बोल्ड सीन भी आपको करना चाहिए। बीइंग एक्टर यू आर ए परफॉर्मर, आप परफॉर्म करें। आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा जरूर बताइएगा। अगर चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए और दोहरी। I will just